गुड मॉर्निंग गाइस। टुडे इज सिक्स ऑफ जून। सो आज हम राइड हमारी राइड है कैलाशगिरी हिल्स की। बैंगलोर से अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर दूर है। सो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं कैलाशगिरी हिल्स का प्लान कर रहा हूँ। दो ऑलरेडी अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं क्या कैलाशगिरी हिल्स हम जा पाते हैं या नहीं बात जा पाते। अभी मैं ज्वाइन करूँगा संजीव को महादेवपुरा में। आई थिंक इट विल टेक अराउंड अनदर 20 मिनट्स, और उसके बाद हम लोग साथ में निकलेंगे। सो बैंगलोर से अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर दूर है कैलाश के हिल्स। आई विल टेक यू थ्रू द वे हाउ द रोड्स लुक लाइक, एंड उसके बाद वहाँ पे जाकर आप क्या क्या कर सकते हो कैलाश गिरी हिल्स के बारे में। ये एक्चुअली मैन मेड गुफा है जिसके अंदर में कैलाश टेम्पल है, एक्चुअली शिवा का टेम्पल है। अभी देखते हैं कैसी रहती है आज की राइड और क्या एक्चुअली हमें अंदर जाने को मिलता है या नहीं मिलता है। सो स्टिक अराउंड। मैं अपना ड्रोन भी लेके जा रहा हूँ आज। सो आज हम कुछ ड्रोन शॉट्स भी लेंगे अच्छे से, एंड आई विल ट्राई टू कवर द एंटायर जर्नी टुडे। सो थैंक यू गाइज, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइज, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज प्लीज प्लीज। ऑलरेडी लेट हो चुका है आज। प्लान था कि 6:15 मेरे को महादेवपुरा में होना है, बट 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 ड्यू टू सम रीजंस आई कुड नॉट। चश्मा भी लगा ही लिया जाए यार। तो गाइज ऑलरेडी यार 6 बज गए, बट इतनी तेज़ धूप हो रही है अब। बैंगलोर की धूप काफ़ी स्ट्रांग होती है यार, मतलब यू कांट इवन गो आउट एट 7 o'clock 8 o'clock। अगर वो वेदर क्लियर रहा, अगर धूप हो रही है तो बहुत टाइट धूप होती है बैंगलोर की। आप देख सकते हो कैसे अभी पिछले 5 दिन से 5 दिन क्या पूरे वीक से कॉन्टिन्यूस बारिश होती थी डेली इवनिंग में, बट फॉर लास्ट 2 डेज इट्स नॉट रेनिंग। सो गाइस ये है आपका रिंग रोड। दिस विल डायरेक्टली गो टू एयरपोर्ट स्ट्रेट। आप कहीं मुड़ने का नहीं है, आप नाक के सीधे चलते जाओ। सो ये डेडिकेटेड लाइन है हमारे पास BMTC के लिए। सो अगर आपने गलती से गाड़ी उठा दी इसमें तो फिर आपको बहुत डिफिकल्टी होगी, चालान कटेगा अलग से। चले सो गाइस ही संजीव। अभी हम लोग निकलेंगे, निकल रहे हैं डायरेक्टली कैलाशगिरी हिल्स के लिए। कैलाशगिरी यहाँ से अभी दिखा रहा 68 किलोमीटर नारायणपुरा से। रोड तो वैसे सही है, रोड में कोई दिक्कत तो नहीं दिख रही है। ओनली थिंग इज कि अभी मेरे को ये वाइट फील्ड वाली रोड
से जाना है, इधर थोड़ी जाना है। Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful. You
and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth around you. From a distance you can tell. भाई हम अभी हैं कैलाशगिरी हिल्स पे. यू कैन सी द व्यू ऑलरेडी. संजीव इज टर्निंग हिज बाइक. सो वी स्टेड हियर, वी टुक सम पिक्चर्स एंड देन नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बैक टू बेंगलोर. ओह फंस गई मेरी बाइक भाई. ओके निकल गई. सो हमने यहाँ पे अभी ऑफ रोडिंग करा है. मैं एक्चुअली मुझे नहीं पता कि अभी मेरे कैमरा में रिकॉर्ड हुआ था या नहीं हुआ था, बट अभी जाते वक्त रिकॉर्ड करूँगा. इट्स अ गुड ऑफ रोडिंग प्लेस टू कम एंड डेफिनेटली वन शुड कम. बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको करने के लिए. अगर आपको ऑफ रोडिंग बाइक करनी है सो डेफिनेटली यू शुड प्लान योर ट्रिप. सो हमने कैलाशगिरी टेम्पल नहीं जा पाए क्योंकि दैट इज़ क्लोज्ड, बट पीछे हिल्स पे आए एंड यू कैन सी द काइंड ऑफ व्यू इट हैज़. और हमारे संजीव भाई साहब भी कैमरा सेटअप करते हुए. सो ये टेम्पल है, यहाँ पे एक छोटी सी टेम्पल है, आप देख लो. सो लोग ट्रैकिंग करके जाते हैं, बट ये मैन मेड केव वाला टेम्पल नहीं है. केव वाला टेम्पल दूसरी साइड में, आई विल शो यू. ठीक है. सो अभी हम लोग ऑफ रोडिंग करके, इट्स गुड ऑफ रोडिंग प्लेस टू कम. आप बस एक चीज़ अवॉइड करना कि अगर इट्स रेनिंग द वेरी अर्ली, आई मीन प्रीवियस डे या उसके एक दो दिन पहले अगर रेन हुआ तो डोंट कम हियर बिकॉज इट विल बी कम्प्लीटली मडी. सो जस्ट सी द ऑफ रोडिंग इन बेंगलुरु विद इन 80-90 किलोमीटर फ्रॉम हियर. सो भाई ब्रेक तो लग नहीं रहे क्योंकि गड्ढे बहुत है, जम कर जा रही है बाइक. ओहो नाइस, वेरी नाइस व्यू यार. सो मैंने ड्रोन भी उड़ाया यहाँ पे, कुछ शॉट्स लिए हमने, गुड शॉट्स आई वुड से. अभी हम वापस जाते जाते भी रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे कि क्या हम ड्रोन उड़ा सकते हैं दोबारा या नहीं. ड्रोन में अभी भी मेरे पास बैटरी तो काफ़ी है. सो यहाँ से जो आप देख रहे हो ना नीचे, वहाँ से हम लोग एक्चुअली आए हैं एंड विल गो बैक अगेन देयर. सो अगर बारिश हो रखी हो तो आप उसके नेक्स्ट डे तो मत आना, एटलीस्ट एक दो दिन वेट करके आना. बिकॉज ये एरिया मैन बाइक चलाना आपके लिए और कार चलाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा. आप कार लेकर के भी आ सकते हो बट थोड़ी सी वो है डिफ़िकल्ट है, बट स्टिल कार्स तो आई नहीं. आप देखा कि इनोवा खड़ी थी ऑलरेडी. ठीक है, छोटी कार भी आप लेकर आ सकते हो, थोड़ी सी केयरफुली आपको ड्राइव करनी पड़ेगी इस रोड पे. तो अब हमारा प्लान है रुकने का कहीं बीच में एक होटल में,
होटल इन द सेंस कि ब्रेकफास्ट के लिए रुकना है, तो कहीं नंदी का कुछ है यहाँ पे जो मैंने रास्ते में देखा था, सो आई विल ट्राई टू स्टॉप देयर, ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन विल बी बैक टू बेंगलुरु। भाई बाइक की चक्का तो ऐसे फिसल रहा है ना। ओ नाइस, सो ये एक एडिशनल व्यू है। चलिए भाई, सो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और अभी हम लोग कैलाश गिरी हिल्स पे ही हैं। सो आई थिंक 1.5 घंटे 2 घंटे तो लगे जाएंगे, 12 बजे तक मैं पहुंचूंगा बेंगलोर। तो संजीव ने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया राइडिंग, रिकॉर्डिंग भी, और मेरी तो चल ऑलरेडी ऑन है ही। सो यहाँ पर स्विफ्ट भी आ सकती है, सो आपको ऐसा कोई ज़्यादा चैलेंज नहीं है, आप कार लेकर के भी आ सकते हो। तो आप देख सकते हो कैसी रोड्स हैं, सो इट्स कंप्लीट ऑफ रोडिंग, ठीक है। इट्स अ गुड प्लेस टू कम, बाइक राइडर्स के लिए तो काफ़ी अच्छी पैराडाइज है, बाइकर्स पैराडाइज आई वुड से। इट्स बेटर देन नंदी हिल्स गाइस, आई मीन पीपल गो टू नंदी हिल्स बट आई वुड से गो टू कैलाशगिरी। देर आर नो रिस्ट्रिक्शंस, नो बडी इज गोइंग टू बॉदर यू, एंड जस्ट कम एंड सी द व्यू हियर, एंड आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू सी द क्लाउड्स ऑल्सो। सो गाइज अभी मेरी बाइक स्किड करने लगी थी, वो इसलिए स्किड करती है क्योंकि ब्रेक प्रेस करना पड़ता है एंड ये लूज सॉइल है, सो ऑफ कोर्स स्किड तो करेगी। सो आप समझ सकते हो भाई बारिश के टाइम में यहाँ पे क्या हाल होता होगा। ऊपर आना बहुत ईजी है भाई, नीचे जाना बहुत डिफिकल्ट है, वो भी ऐसे रोड पे जहाँ पे बाइक आपकी हेवी है एंड लूज सॉइल है, सो स्किड करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो मैं आपको रोड दिखाता हूँ, आई एम नॉट श्योर कि ये रिकॉर्डिंग हुई थी आते वक्त, बट अभी जाते वक्त तो रिकॉर्डिंग हो रही है, एंड दिखाते हैं कैसी रोड है। सो कैलाशगिरी टेम्पल यहाँ से नीचे में, अभी हम लोग और ऊपर आ गए थे। तो हमारे संजीव भाई आप देख सकते हो, यू नो हाउ द रोड्स लुक लाइक, इट्स गुड वन। थोड़ी सी जंगल एरिया भी है, फॉरेस्ट एरिया भी है, उसके बाद आपको ऑफ रोडिंग भी है, ये भी ऑफ रोडिंग ही है, आई मीन यू विल सी द रोड्स गोइंग थ्रू। सो आई रियली लव दिस काइंड ऑफ राइड मैन, आई मीन दिस इज क्रेजी,
I am definitely going to come again once the temperature is down. So I'll definitely plan to come here again. We'll have a kind of time lapse shoot. अब देखो कैसे बाइक भाग रही है, थोड़ी सी भी आप छोड़ दो ना। So guys, if you're planning to come here, I would suggest you should come around 5 o'clock in the morning, so that 5 to 6, so that you can see the sunrise. I'm sure you'll see a better sunrise already. Chalo, chalo, chalo. तो हम निकल गए हैं कैलाशगिरी हिल से। पीछे आपका कैलाशगिरी टेम्पल है, आप देख सकते हो। बट वहाँ पे अभी एक्चुअली इट्स क्लोज, सो आई एम नॉट गोइंग देयर। ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्टली निकल रहे हैं। ये छोटी सी लेक है। वेलकम टू अबोर्ड ऑफ कैलाश गिरी। सो गाइज आई एम बैक नाउ। अभी बज रहे हैं दिन के 12:30 और मैं बैंगलोर आ चुका हूँ अपने घर पे हूँ। सो अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे की टोटल राइड थी। 6 घंटे नहीं कहेंगे एक्चुअली, मैंने तो थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करा वहाँ पे। बट आइडियली 4-5 घंटे मैक्सिमम आप आ सकते हो, कवरिंग एवरीथिंग ब्रेकफास्ट वगैरह के। सो इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। काफ़ी अच्छी जगह है। आई मीन नंदी हिल्स, आप एवरी वन इज़ अवेयर अबाउट नंदी हिल्स, सब लोग नंदी हिल जाते हैं, लेकिन मैं नंदी हिल्स से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रेट करूँगा कैलाशगिरी हिल्स को। ठीक है, वाई बिकॉज अगर आप बाइक राइडिंग करते हो तो आप ऑफ रोडिंग कर सकते हो। अगर आप कार से जाना चाहते हो, कार से भी आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते हो तब भी आप टेम्पल जा सकते हो, एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू गो देयर। जैसे नंदी हिल लोग सनराइज़ के लिए जाते हैं,
वहाँ पे भी आप जा सकते हो सनराइज़ के लिए, देर इज़ नो सच काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन या कोई आपको बैरियर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, यू कैन गो देयर. ठीक है, रोड भी काफ़ी अच्छी है टू कैलाश हिल्स, आई मीन काफ़ी अच्छी रोड, हाईवे ही हाईवे, सो एवरीवेयर यू नॉट फाइंड एनी इशूज इन द टर्म्स ऑफ ट्रैफिक अपार्ट फ्रॉम बैंगलोर ट्रैफिक. सो बैंगलोर के बाहर जैसे आप निकलोगे आप यू नो यू विल बी क्रूजिंग टू 100 एंड बियॉन्ड स्पीड. So it overall was a good weekend, right? So just do watch my video and let me know your feedback. In case if you have any questions, do put your questions in the comments below and please subscribe Karnavat Bolna. Thank you very much. So see you in another vlog.